दीजिएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एंजाइम क्लासिफिकेशन जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो लास्ट लेक्चर में भी बच्चों आप लोगों को याद होगा कि क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो आज हम लोग दोबारा से बेसिक पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टू एंजाइमेटिक क्लासिफिकेशन इनको देखते हैं और उसकी बेस पे एंजाइम्स को जिन सिक्स कैटेगरीज के अंदर स्टैंडर्ड ग्रुप्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं उन ग्रुप्स को देख लेते हैं। तो प्रीवियसली आप लोगों को पता है कि एंजाइम्स को हम लोग जब भी क्लासीफाई करते हैं जस्ट लाइक द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन का मेथड होता है हमेशा जो ट्रायल मेथड होता है वो कुछ हद तक एम्बिगुअस मेथड होता है। बिकॉज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जैसे नॉर्मल क्लेचर की आप बात करते हो, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग हमेशा तभी होती है जब आपके पास प्रीवियसली कोई ऐसी ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन है वो एम्बिगुअस हो। लाइक मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ कि एंजाइम्स को क्लासिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड यूज करते थे जिसमें हम एंजाइम की सबस्ट्रेट देखते थे और सबस्ट्रेट के नेम के हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते थे कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है उस सबस्ट्रेट के नेम के आगे आप लोग सफिक्स एज एड करते थे और फिर आप कहते थे कि दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज गोइंग टू मेटाबोलाइज। बट देर आर मेनी एंजाइम्स जिनकी जो सबस्ट्रेट रेंज है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेक्सोकाइनेज की बात करती हूँ तो हेक्सोकाइनेज आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर ही वर्क नहीं करता बल्कि ये ऐसा एंजाइम है जो कि सारी हेक्सोजेस के लिए एफिनिटी रखता है। वो ग्लूकोज भी हो सकती है, गैलेक्टोज भी हो सकती है, फ्रुक्टोज भी हो सकती है। सो इट मीन्स कि आप हेक्सोकाइनेज को जब भी रेफर करोगे आप स्पेसिफिकली ग्लूकोकाइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज या फिर गैलेक्टोकाइनेज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज दिस एंजाइम इज गोइंग टू कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ऑल हेक्सोजेस। इसी तरह से आपके पास है वो एक और मेथड था जिसमें आप लोग एंजाइम की क्लासिफिकेशन के लिए उसका सोर्स या फिर जो साइंटिस्ट एंजाइम को आइसोलेट कर रहा है उसके नेम की बेस पे उसकी ग्रुपिंग करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे। बट अगेन एक सोर्स से आप मल्टीपल एंजाइम्स को भी आइसोलेट कर सकते हो और सिमिलरली जो साइंटिस्ट हैं उनके बेस उनके नेम की बेस पे या उनको एक्नॉलेज करने के लिए अगर आप एंजाइम का नेम उस साइंटिस्ट के नेम पे रखते हो तो उससे आपको कि केमिकल रिएक्शन के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो देयर वाज अ नीड के एंजाइम को इस तरह से क्लासिफाई किया जाए कि जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो मेथड एंजाइम के मैकेनिज्म के साथ लिंक हो। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखते हुए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी ने एंजाइम को सिक्स क्लासेस के अंदर, सिक्स मेजर क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया। अब इन क्लासेस की फर्दर सब क्लासेस हो सकती है, लाइक ऑक्सीडो रिडक्टेज आपके पास हमेशा क्लास वन आएगी। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि क्लास वन के अंदर आपकी सब क्लासेस नहीं हो सकती है, आपकी मल्टीपल यहाँ पे जो है वो सब क्लासेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच एन एंजाइम इज गोइंग टू कैटालाइज। ऑक्सीडो रिडक्टेज आपके पास एक जनरल क्लास है। ठीक है, और इसमें आप सारे वो एंजाइम्स रखोगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ये क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैटलाइज कराते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के भी मल्टीपल जो है वो आप कह लो कि उनकी जो है वो फीचर्स हैं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मल्टीपल वेज से हो सकती है। किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन तब हो सकती है जब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाओ। सिमिलरली स्पीशी ऑक्सीडाइज तब भी हो सकती है जब उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो। इसी तरह से आपके पास स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज तब भी हो सकती है जब उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो। ऑक्सीजन की एडिशन भी आपके पास ऑक्सीजन का अकेला एक एटम भी ऐड हो सकता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में भी ऐड हो सकती है। तो आपके पास ऑक्सीडेशन के भी मल्टीपल वेज है। इसी तरह से रिडक्शन भी आप कह सकते हो कि आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। अब रिमूवल अगेन ऑक्सीजन का एटम हो सकता है या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हो सकती है। सो बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी आगे जो है वो मल्टीपल टाइप्स के हैं तो आप इन ऑक्सीडो रिडक्टेजेस को भी डिफरेंट सब क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हो। लेकिन हमेशा कोई सा भी एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको आप एक मेजर क्लास के अंदर रखोगे और वो क्लास कौन सी होगी, ऑक्सीडो रिडक्टेज। किसी भी मैकेनिज्म से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो आप उन एंजाइम को इसी क्लास के अंदर रखेंगे
फर्दर जो इनकी डिवीजन है वो आप इनकी सब क्लासेस की बेस पे कर सकते हो, लेकिन हमेशा जो मेन क्लास होगी वो ऑक्सीडो रिडक्टेज ही रहेगी। तो लेट्स सी कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं और इनमें जो है वो क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो एक आप लोगों के सामने ऑक्सीडो रिडक्टेज की एग्जाम्पल ले रही हूँ, विच इज एन एंजाइम ऑफ द पीसीए साइकिल सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये पीसीए साइकिल में वर्क करता है और इसका फंक्शन क्या है कि ये पीसीए साइकिल का जो एक इंटरमीडिएट है सुक्सिनेट उसको ऑक्सीडाइज कराता है, ठीक है, और उसको ऑक्सीडाइज करा के किसने कन्वर्ट कर देता है फ्यूमारेट। अब एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है बच्चों के ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा रिडक्शन रिएक्शन के साथ कपल्ड होते हैं, यानी कोई भी स्पीशी तब तक अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकती जब तक उसकी क्लोज विसिनिटी में कोई ऐसी स्पीशी अवेलेबल ना हो जो कि उस इलेक्ट्रॉन को उसके लिए ज्यादा एफिनिटी रखती है या उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल होती है। सपोज आपके पास ये स्पीशी है स्पीशी ए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स तभी रिलीज करेगी जब इसके नियर बाय कोई दूसरी स्पीशी बी प्रेजेंट है और उस बी स्पीशी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ए के मुकाबले में ज्यादा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पीशी बी आपका ये वाला जो ए इंटरमीडिएट है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे उनको ये स्पीशी बी एक्सेप्ट करेगी। तो आपके पास यहाँ पे साइमल्टेनियसली ए की ऑक्सीडेशन हो रही है और बी की रिडक्शन हो रही है। तो हमेशा जब भी किसी भी मीडियम के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां पे भी कोई एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है हमेशा वो इसीलिए ऑक्सीडाइज होती है बिकॉज उससे ज्यादा एफिनिटी रखने वाली कोई चीज अप्रोच कर रही है उसे, ठीक है। तब तक कोई स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगी, हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगी जब तक उसकी नियर बाय कोई दूसरी स्पीशी प्रेजेंट ना हो जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि आपका जो सुक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडेशन करवानी है एंजाइम में सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम जब सुक्सिनेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उन हाइड्रोजन को कहीं वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास ये एक हाइड्रोजन है यहाँ से जो कि रिमूव होगी, सेकेंड हाइड्रोजन इज दिस, ठीक है, और इन दोनों हाइड्रोजन से रिमूव होने के बाद आपके ये जो दो कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप कहोगे कि ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, ये फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ ये जो यहाँ से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव होगी देयर इज अनदर स्पीशी एफएडी 11 एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये FAD मैंने आप लोगों को कोई एंजाइम से पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास जो है देर आर सर्टेन एंजाइम जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप रिक्वायर्ड होता है, और अगर ये नॉन प्रोटीन ग्रुप ऑर्गेनिक इन नेचर हो तो आप इस ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को कहते हो कि दिस इज को एंजाइम। और आप लोगों को याद होगा कि को एंजाइम से भी मैंने आप लोगों से फर्दर ये चीज कही थी कि समटाइम्स आपके को एंजाइम सॉल्युबल होते हैं, इट मीन्स वो एंजाइम्स के साथ कोवलेंट ही अटैच नहीं होते, केमिकल रिएक्शन के दौरान आते हैं और उसके बाद रिलीज हो जाते हैं, और कुछ कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम के साथ परमानेंटली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इन कोएंजाइम्स को आप कहते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो एफएडी आपके पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ कोवलेंटली अटैच रहता है। जैसे ही सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सुक्सिनेट को ऑक्सीडाइज करता है उसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है, तो एफएडी फौरी तौर पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी रिड्यूस फॉर्म FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक स्पीशी ऐसी है जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी स्पीशी ऐसी है जो कि रिड्यूस हो रही है। तो हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है ये कपल्ड होंगे। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक और भी एग्जाम्पल है, दिस इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेसिस इसका मतलब है कि हमेशा आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज की क्लास से बिलोंग करेंगे, और ये डिहाइड्रोजिनेसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैटालाइज करवाते हैं बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, तभी हम इन्हें डिहाइड्रोजिनेसिस कहते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो कि आपके सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, और ये डिहाइड्रोजिनेसिस
हाइड्रोजन को रिमूव करा के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज कराते हैं ना, इसलिए जो मेन क्लास से ये बिलोंग करेंगे दिस क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, एफएडी के एग्जांपल मैंने दिए, उसके बाद मेरे पास एक और डिहाइड्रोजिनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसके साथ जो कोएंजाइम अटैच है, जिस कोएंजाइम इज सॉल्युबल कोएंजाइम, ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, ये सॉल्युबल कोएंजाइम है, एंड द नेम ऑफ दिस कोएंजाइम इज निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब लैक्टेट की ऑक्सीडेशन होती है तो अगेन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे चूंकि आपके पास एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज है, तो अगेन जो आपके पास ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म होगा, दिस मैकेनिज्म विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डीहाइड्रोजिनेसिस हमेशा आपकी जो सबस्ट्रेट है उसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रीवियस केस में आपने ये ऑब्जर्व किया था कि आपका जो एफएडी प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये उस पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी दोनों हाइड्रोजन के एटम्स को एक्सेप्ट करेगा और फुली रिड्यूस होकर एफएडीएच टू में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो एनएडी प्लस है, जब इसकी रिडक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लैक्टेट और आपके पास एंजाइम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज में लैक्टेट का जो सेकंड कार्बन एटम है यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिमूव कराना है, यानी इसको ऑक्सीडाइज कराना है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। आफ्टर ऑक्सीडेशन आपके पास ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, यू हैव अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, लेकिन आपका जो एनएडी कोएंजाइम है ये सिर्फ हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है। तो एनएडी प्लस है और FAD, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि FAD आपका कंप्लीट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा तो FADH में कन्वर्ट होगा, और अगर उसके बाद दोबारा एक और हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में, यानी डीहाइड्रोजिनेसिस से रिमूव होने वाला जो दो हाइड्रोजन एटम्स है वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स को ये एक्सेप्ट कर सकता है और अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म FADH2 में कन्वर्ट हो सकता है। बट एनएडी की एक स्पेशलिटी है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। नाउ हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है कि दिस इज हाइड्रोजन एटम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर आपका ये हाइड्रोजन एटम एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो आपके पास ये हाइड्राइड आयन बन जाता है, द साइन इज हाइड्राइड आयन, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। तो अब अगर आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को रिवाइज करें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है कि आपके जितने भी डीहाइड्रोजिनेसिस हैं वो हमेशा किसी स्पीशी में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स को रिमूव कराते हैं। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मीन टू हाइड्रोजन एटम्स, वन एंड वन हेयर, एक हाइड्रोजन में आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। और मैंने आप लोगों से ये कहा कि जो आपका एनएडी प्लस है वो हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, हाइड्राइड आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस वन प्रोटॉन। तो आप ये कहोगे कि आपके पास जो एनएडी प्लस है ये इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पिक कर लेगा और उन्हें अपने स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा, जबकि एक प्रोटॉन को एज इट इज मीडियम में रिलीज कर लेगा। एंड दिस इज द रीजन कि जब भी हम NADH को लिखते हैं तो कभी भी हम NADH2 नहीं लिखते, हमेशा हम NADH प्लस प्रोटॉन लिखते हैं, जो कि इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि एक हाइड्राइड आयन इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है और जो प्रोटॉन है वो मीडियम में फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो कभी भी आप इसको NADH2 नहीं कहोगे, आप इसको हमेशा NADH प्लस प्रोटॉन कहोगे, विच मीन्स कि NADH के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जबकि FADH2 के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन और दो ही प्रोटॉन अवेलेबल, बिकॉज इसने पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन एटम्स को अपने स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया था, एड किया था। जी बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेजेस, और ट्रांसफरेजेस में आपके पास ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो कि जिनमें आपके पास एक्चुअली दो आप कह लो के सबस्ट्रेट होती है, यू हैव अ सबस्ट्रेट वन एंड सबस्ट्रेट टू।
और ये एंजाइम जो है ये एक्चुअली एक सबस्ट्रेट को एज अ डोनर यूज करते हैं और दूसरी सबस्ट्रेट को एज एन एक्सेप्टर यूज करते हैं, और एक खास किस्म के ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से उठा के दूसरे सबस्ट्रेट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि ट्रांसफरेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि किसी ग्रुप का वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है आपके पास, वो कोई दूसरा हाई एनर्जी ग्रुप भी हो सकता है, जिसको एक डोनर से एक्सेप्टर में ट्रांसफर करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रुप जो कि ये ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर करेंगे, हम इन एंजाइम्स को फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइनेजेस आपके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। आप लोगों को याद होगा शायद मैंने मल्टीपल टाइम्स इस एंजाइम की एग्जाम्पल भी दी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, दिस हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज आपके पास एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपके पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल है जो कि अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा। सो एटीपी इज द डोनर जो कि एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है और खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ग्लूकोज इज एन एक्सेप्टर जो कि फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद सिक्स पोजिशन के ऊपर अटैच रहेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। तो अगर आपके ट्रांसफरेजेस किसी फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कराए फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर, तो इन ट्रांसफरेजेस को आप काइनेजेस कहते हो। सिमिलरली अगर अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे तो आप इन्हें अमाइनो ट्रांसफरेजेस को, अगर आपकी कोई स्पीशी असाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराती है, असाइल ग्रुप मीन्स के फैटी एसिड्स का जो पोर्शन है उसको फैटी असाइल ग्रुप को अगर किसी डोनर से एक्सेप्टर में ट्रांसफर कराएगी तो दिस विल बी असाइल ट्रांसफरेज, और अगर ग्लूकोज या कोई और आपके पास कार्बोहाइड्रेट स्पीशी ट्रांसफर होगी तो ये एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस होंगे। इट मीन्स कि ट्रांसफरेजेस को भी हम फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रुप्स व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। जैसे यहाँ पे अगेन आपके पास वही एग्जांपल दी गई है हेक्सोकाइनेजेस और द ग्लूकोकाइनेज, दिस इज एन एंजाइम जो कि ग्लूकोज को एज अ सब्सट्रेट यूज करता है और ग्लूकोज को एज एन एक्सेप्टर लेता है और इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, यानी इससे एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवा देता है। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, एटीपी, एटीपी जो कि यहाँ पे डोनर के तौर पे। थर्ड क्लास इज हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कार्बन 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 नाइट्रोजन या कोई भी आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए यूज होते हैं। बट बॉन्ड ब्रेकेज की कंडीशन क्या है कि बॉन्ड ब्रेकेज के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। ठीक है, पहला मैंने ऑक्सीडो रिडक्टेज बताया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, देन ट्रांसफरेजेस, और अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलेसिस की जो कि आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। वो बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन सल्फर कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड भी हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमेशा वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोटीएजेस की और ग्लाइकोसाइडेजेस की। आपको पता है कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की जब कंडेंसेशन होती है, लाइक अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं और उसके बाद ग्लूकोज की भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो वी ऑल नो कि अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो है वी हैव टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन आपके एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम दो एलानिन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कंसीडर करें, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान आपके पास यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें एक स्पीशी अपना हाइड्रोक्साइल ग्रुप और दूसरी स्पीशी जो है वो हाइड्रोजन को क्या करती है, रिमूव करती है। तो आपके पास यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड दिस नाइट्रोजन, जिसको आप क्या कहते हो, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो। अब अगर आपने डाइजेशन का प्रोसेस देखना है या प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस देखनी है तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेसिस, जो कि प्रोटीन के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको टारगेट करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। नाउ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इन एंजाइम्स को वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल से जो निकलने वाले दो ग्रुप्स हैं प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे इन दो ग्रुप्स के दरमियान जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ एच ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे कार्बन पे
और जो प्रोटॉन है उसको ट्रांसफर करेंगे नाइट्रोजन पे, ताकि आपके ये जो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन है ये उन ग्रुप्स को वापस रिसीव कर लें जिनको इन्होंने ड्यूरिंग कंडेंसेशन क्या किया था, रिलीज किया था। तो ऐसे एंजाइम जो कि बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन बॉन्ड ब्रेकेज के लिए वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, इन एंजाइम्स को आप कहते हो कि दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलिज। इसमें आपके पास प्रोटीन्स को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स भी आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स भी आ जाएंगे, सिमिलरली जो लिपिड्स के दरमियान बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए भी जो एंजाइम यूज होंगे वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। लाइक आपके पास एंजाइम लैक्टेज हमने डिस्कस किया था, दिस एंजाइम इज गोइंग टू हाइड्रोलाइज अ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन डायसैकेराइड लैक्टोज मिल्क शुगर में। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो जो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, जो यहाँ पे ब्रेकेज होगी, वो भी हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, जिसमें आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल OH और प्रोटॉन को ट्रांसफर करेगा इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे, और ये ग्रुप्स क्या करेंगे वापस अपना ये जो अनबाउंड स्टेट है गैलेक्टोज और ग्लूकोज इसको क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। सो जब भी किसी भी ग्रुप के दरमियान बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है और उस क्लीवेज में वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो आप उस मैकेनिज्म को, उस क्लीवेज को करवाने वाला जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम को कहोगे कि दिस एंजाइम इज हाइड्रोलेज एंजाइम। फोर्थ क्लास इज लाइसिस, और लाइसिस में भी आपके पास बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्लीव होगा। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि बॉन्ड की क्लीवेज के बाद यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, या फिर ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये डबल बॉन्ड को ही टारगेट करेंगे फॉर दी क्लीवेज पर्पस। यानी लाइसिस ऐसे एंजाइम है जो कि अपने कैटालिटिक मैकेनिज्म में किसी भी कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन को ब्रेक करते हैं और ब्रेकेज के बाद डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। यानी बॉन्ड ब्रेक किया और ब्रेकेज के बाद जो है वो आपकी सबस्ट्रेट के अंदर जो प्रोडक्ट बनी उसके अंदर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक तो स्ट्रेटेजी ये है, और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि ये इन्हीं डबल बॉन्ड्स को टारगेट करेंगे और उसके बाद जो है वो क्लीवेज रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल्डोलेज एंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, और ये जो ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसको 2,3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करती है। अब अगर आप इस एंजाइम का कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस एंजाइम इज गोइंग टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। ये आपके पास 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है जिसकी कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो पेरेंट स्ट्रक्चर वाज फ्रुक्टोज, लेकिन फ्रुक्टोज की फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे आपके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं, दैट्स व्हाई आप इसको कहते हो कि दिस इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एल्डोलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसको टारगेट करता है, उसको ब्रेक करता है। अब सपोज आपके पास यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपके पास ये जो स्पीशी है ये इस तरह से आएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप, और नीचे आप जो है तो इस तरह से ऑब्जर्व करोगे तो 3 कार्बन कंटेनिंग फ्रेगमेंट आपने अपर पोर्शन में ऑब्जर्व किया और बाकी जो रिमेनिंग 3 कार्बन कंटेनिंग पोर्शन है उसको मैंने नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब आप ये देखोगे कि बॉन्ड ब्रेकेज के बाद आपके पास ये जो टर्मिनल कार्बन एटम्स है जिनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इनकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो चुकी है। लाइक यहाँ पे 1,2,3 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे भी 1,2,3 बॉन्ड्स हैं, एक एक बॉन्ड इनमें अभी भी बनाने का पोटेंशियल है। सो होगा क्या, आपके पास ये वाली जो स्पीशी है ये अपने एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगी और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा फिर दिस कार्बन एटम, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको अगर आप देखो तो आपके पास ये बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसको आप लिख सकते हो दिस पोजिशन को CH2OH, जबकि यहाँ पे आपके पास जो कार्बन और ऑक्सीजन है इनके दरमियान क्या चीज बन जाएगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से एल्डोलेज की जो मैकेनिज्म है, इसके बाद आपके पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसके कार्बन 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होगा और बॉन्ड ब्रेकेज के बाद आपके पास एक जो है वो एल्डो ट्रायोज बन जाएगी,
यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और दूसरी आपके पास कीटो ट्राइओज बन जाएगी, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है उनको कंपेयर करो तो इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, विच मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, तो इस एंजाइम के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के एंजाइम जो कि कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक तो करते हैं, लेकिन ब्रेकेज के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इन एंजाइम्स को आप क्या कहते हो? लायसिस। फिफ्थ क्लास इज आइसोमेरेसिस, और आइसोमेरेसिस में भी आपके पास ट्रांसफर मैकेनिज्म हो रहे हैं। तो समटाइम्स ट्रांसफरेसिस और आइसोमेरेसिस में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है बच्चों को, कि आपके पास ये केमिकल रिएक्शन जो है ये कोई ट्रांसफरेस कैटालाइज करवा रहा है या आइसोमेरेस कैटालाइज करा रहा है। तो मेन डिफरेंस जो आपने याद रखना है बिटवीन ट्रांसफरेसिस एंड आइसोमेरेसिस वो ये है कि ट्रांसफरेसिस में आपके पास दो स्पीशीज होती थी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास एक सबस्ट्रेट वन है, ठीक है, जो एज अ डोनर एक्ट करती है, और दूसरी तरफ आपके पास सबस्ट्रेट टू है जो कि एज एन एक्सेप्टर एक्ट करेगी, और इन दोनों के दरमियान जो ग्रुप है उनका ट्रांसफर होगा। वो फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो सकता है, साइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ट्रांसफर होगा बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। एक स्पीशी डोनर के तौर पर एक्ट करेगी और दूसरी स्पीशी एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करेगी। बट आइसोमेरेसिस आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर विद इन अ सिंगल स्पीशी ग्रुप्स का ट्रांसफर होता है, विद इन अ सिंगल स्पीशी या फिर सिंगल सबस्ट्रेट आपके पास अगर ग्रुप्स का ट्रांसफर होता है तो तब आपके पास जो एंजाइम्स वर्क करते हैं, इन एंजाइम्स को आप क्या कहते हो? आइसोमेरेसिस। लाइक इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। द फर्स्ट एंजाइम इज ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज को पहले देख लेते हैं। दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक टू कन्वर्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। ये दोनों वही दो इंटरमीडिएट्स हैं जिनको भी मैंने एल्डोलेज के रिएक्शन के बाद आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास पहले फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है इंटरमीडिएट जिसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज उसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। अब ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को पता है कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होता है? वी हैव एन एंजाइम ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और सिमिलरली ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके पास ये जो आइसोमेरेज है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। लाइक अगर आप यहाँ पे पहला केमिकल पहला जो इंटरमीडिएट है इसको ऑब्जर्व करते हो विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपका जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है दिस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2, जबकि आपके एंजाइम के वर्किंग के बाद ये फंक्शनल ग्रुप आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, सो इस आइसोमेरेज में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया है, उसको कार्बन नंबर 2 से उठा के कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट कर दिया, और आपके पास यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप कंपेयर करोगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। लाइक अगर आप कार्बन देखते हो तो इस स्ट्रक्चर में यू हैव 1, 2, 3 कार्बन एटम, यहाँ पे भी अगर आप देखो 1, 2, 3 कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ ऑक्सीजन पे अगर आप जाते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 1, 2, 3 और एक एक आपके पास फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ अटैच है। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, बस एंजाइम ने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया है। तो इस तरह के सारे जो एंजाइम्स जो कि विद इन अ सिंगल स्पीशीज फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कार्बन टू अदर कार्बन और फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, इन एंजाइम्स को हम आइसोमेरेसिस कहते हैं। बट
समटाइम्स आपके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी ग्रुप्स का भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये अगेन ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट है, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। ये आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर है ग्लिसरेट का, जिसमें यू हैव थ्री कार्बन एटम्स, 1, 2 एंड 3, और इसके थर्ड पोजिशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एंड यू हैव एन एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये म्यूटेज क्या कर रहा है, म्यूटेज फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम थर्ड पोजिशन टू दी सेकेंड पोजिशन। इस केस में आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट था और यहाँ पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप उसी कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, बल्कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है इसका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम थर्ड पोजिशन टू सेकेंड पोजिशन। तो ऐसे आइसोमेरेजेस जो कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा किसी दूसरे ग्रुप को पर्टिकुलरली फॉस्फेट ग्रुप की रीअरेंजमेंट करवाते हैं, उन आइसोमेरेजेस को आप क्या कहते हो, म्यूटेज कहते हो। और अगेन यहाँ पे आप देखते हो कि चूंकि यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप का जो ट्रांसफर है वो सिंगल स्पीशी के अंदर हो रहा है, एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम के ऊपर हो रहा है, तो इसको आप क्लासिफाई करोगे आइसोमेरेज की क्लास में। जबकि इससे पहले हमने जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराने वाले एंजाइम थे काइनेजेस, उनको हमने ट्रांसफरेज की क्लास में रखा था, क्योंकि ये एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को एक डोनर से पकड़ते थे और एक्सेप्टर पे ट्रांसफर करवाते थे, जबकि यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर है वो एक ही स्पीशी के अंदर हो रहा है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज है कि कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे ट्रांसफर किया जा रहा है। जो लास्ट आपके पास ग्रुप है, दिस ग्रुप इज लाइगेजिस, जिसमें आपके पास ऐसे एंजाइम आते हैं, जैसे लाइगेजिस नेम से पता चल रहा है कि ये किसी बॉन्ड को बनाने में यूज होंगे। ये ऐसे एंजाइम है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को बनाते हैं, ठीक है। और बॉन्ड बनाने के लिए ये किसी हाई एनर्जी जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, जिसमें एटीपी भी हो सकता है, जीटीपी भी हो सकता है, इनको यूज करते हैं। यानी ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिएक्शन जब कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनने होते हैं, तो अगर उस बॉन्ड फॉर्मेशन में एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसा एंजाइम जो कि इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करा रहा है, उस एंजाइम को आप कहोगे कि ये लाइगेज की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अभी जो आपने अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन पढ़ी थी, उसमें आपने ये चीज देखी थी कि वहां पे एटीपी कंज्यूम नहीं हो रहे थे, ठीक है। वहां पे आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई एंजाइम यूज हो रहा है, वो एंजाइम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहा है, एटीपी को यूज कर रहा है, जीटीपी को यूज कर रहा है, तो इस एंजाइम को आप लाइगेज की क्लास में क्लासिफाई करोगे। इसमें एक एग्जांपल आपके पास आ जाती है पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की। ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक तरफ इसके पास सबस्ट्रेट है पाइरोवेट और दूसरी तरफ इसके पास सबस्ट्रेट है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए आप इसको कहोगे कि यहाँ पे ये अपनी बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इस फॉर्म के अंदर। अब पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है कि एटीपी से एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अटैच करवाएगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ। पाइरोवेट का ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है, मिथाइल कार्बन एटम, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिलीज होगा। तो ये जो आपके पास जो है इस प्रोसेस के दौरान डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाने के लिए एक हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल भी कंज्यूम हो रहा है। तो जब भी आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान किसी एंजाइम में हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करना है, तो उस एंजाइम को आप कहोगे कि दिस एंजाइम इज अ लाइगेज एंजाइम। तो पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज को आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ये लाइगेज की क्लास से बिलोंग करता है, या इसकी जो क्लास है दिस क्लास इज क्लास नंबर 6। सो इन क्लासिफिकेशन को देखते हुए हम डिफरेंट एंजाइम्स को डिफरेंट जो एंजाइम्स के मिशन नंबर है ईसी नंबर वो असाइन करते हैं। आपके पास अगर सपोज एक एंजाइम है और इस एंजाइम का एंजाइम कमीशन नंबर 1.3 है, तो इससे आप उसकी जो है वो ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमेशा जो आपका फर्स्ट लेटर है वो उसकी नेम क्लास को बिलोंग करता है। आपने अभी जो 6 क्लासेस पढ़ी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें फर्स्ट क्लास आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस को रेफर करती है, सेकेंड क्लास आपकी ट्रांसफरेजेस को, थर्ड आपके पास जो है वो हाइड्रोलेजिस,
इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ और सिक्स आपके पास मल्टीपल जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको रेफर करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई एंजाइम कमीशन नंबर है तो उसका जो पहला डिजिट होता है ये पहला डिजिट उसकी मेन क्लास को रेफर कर रहा होता है। यानी अगर आपके पास कोई एंजाइम है और उसका एंजाइम कमीशन नंबर 1.3 है तो आपको ये पता चल गया कि ये एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है, क्योंकि इसका पहला नंबर पहले ग्रुप जैसा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज की क्लास से ये बिलोंग करता है। अब ये जो 3 है ये फर्दर सब क्लास को रेफर करेगा। लाइक आपके पास अगर कोई ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई ऐसा ऑक्सीडो रिडक्टेज है जो कि आपकी किसी स्पीशी में से ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को एज अ डोनर यूज करता है, तो आप कह सकते हो कि आपका ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है इसको आप फर्दर 1.3 की क्लास से सब क्लासिफाई करोगे। यानी जो इंजाइम कमीशन नंबर है, इस इंजाइम कमीशन नंबर में जितने आपके पास डिजिट होंगे वो इंजाइम के जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है उसको रेफर करेंगे। पहला आपके पास मेन क्लास है, सेकंड आपके पास जो डिजिट होगा ये सब क्लास को रेफर करेगा, थर्ड डिजिट आपके पास सब सब क्लास, और इसी तरह से आपके पास जो है वो क्लासेस मजीद इंक्रीज।